दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ हिंदी फिल्मों के सबसे प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख खान अभिनेता होने के साथ साथ निर्माता और टेलीविजन पर्सनालिटी भी हैं। उन्हें लोग प्यार से बॉलीवुड का बादशाह, किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग खान भी कहते हैं। वे लगभग सभी शैलियों की फिल्मों में रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन में काम कर चुके हैं। लॉस एंजिलस टाइम्स ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार बताया है। उनके प्रशंसकों की संख्या भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत ज्यादा है और शाहरुख दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता हैं। उनके खाते में 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं। लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में उनकी वैक्स की मूर्ति भी स्थापित है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम आपको शाहरुख खान के बारे में शुरू से बताते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को न्यू दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम ताज मोहम्मद खान और माता का नाम लतीफ फातिमा खान था। उन्होंने अपने जीवन के पहले 5 साल मंगलोर में बिताए, जहां 1960 में उनके नाना इफ्तियार अहमद एक इंजीनियर थे और उनके दादा जान मोहम्मद अफगानिस्तान के जातीय पठान थे। शाहरुख खान के पिता मीरताज मोहम्मद खान ब्रिटिश इंडिया के पेशावर के स्वतंत्रता सेनानी थे। 2010 तक खान का पैतृक परिवार किस्सा खवानी बाजार की शाहीवाली कताली गली पेशावर में रहते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। 1947 में भारत विभाजन से पूर्व ही वे नई दिल्ली आ गए थे। खान की माता लतीफ फातिमा ने शाहरुख खान का पालन पोषण राजेंद्र नगर में ही किया, जो दिल्ली के ही आसपास स्थित है। वहाँ उनके पिता कई तरह के व्यापार भी करते थे, जिनमें उनका एक रेस्टोरेंट भी शामिल है। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था, जो एक किराए के अपार्टमेंट में रहता था। शाहरुख खान ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट कोलंबिया स्कूल दिल्ली से पूरी की, जहां वे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अव्वल थे। उन्हें उनके विद्यार्थी जीवन में कई पुरस्कार मिले। उनके युवा दिनों में वे कई नाटकों में हिस्सा लेते थे और अलग अलग भूमिका अदा करते थे। शाहरुख खान के युवा दिनों में बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और मुमताज उनके प्रिय कलाकार थे। उनके बचपन की उनकी सहेली और सह कलाकार अमृता सिंह थी, जो बाद में बॉलीवुड अभिनेत्री बनी। बाद में खान को हंसराज महाविद्यालय 1985-88 में डाला गया, जहां इन्होंने इकोनॉमी की डिग्री प्राप्त की। लेकिन वे महाविद्यालय में जाने की बजाय अपना ज्यादातर समय दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप में व्यतीत करते थे, जहाँ बेरी जोन के प्रशिक्षण में वे एक्टिंग सीखते थे। हंसराज के बाद भी मास्टर डिग्री प्राप्त करने जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी गए, लेकिन एक्टिंग में अपना करियर बनाने की वजह से उन्हें वो बीच में ही छोड़ना पड़ा। बाद में बॉलीवुड के उनके प्रारंभिक काल में वे दिल्ली के ड्रामा स्कूल में जाते थे। शाहरुख खान ने अपना करियर 1980 के अंत में टेलीविजन से ही शुरू किया था और बाद में बॉलीवुड में उन्होंने अपना शुभारंभ 1992 में दीवाना फिल्म से किया था। अपनी प्रारंभिक फिल्मों में वे खलनायक की भूमिका में ज्यादा प्रसिद्ध हुए। उन्होंने डर 1993, बाजीगर 1993 और अंजाम 1994 में खलनायक की भूमिका निभाई और बाद में उन्होंने रोमांटिक फिल्मों को करना भी शुरू किया, जिनमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, दिल तो पागल है 1997, कुछ कुछ होता है 1998 और कभी खुशी कभी गम 2001 भी शामिल है। बाद में उन्होंने देवदास में एक व्यसनी की और स्वदेश 2004 में एक नासा वैज्ञानिक, चक दे इंडिया 2007 में हॉकी प्रशिक्षक और माय नेम इज खान 2007 में एक अस्परेगर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति की भूमिका अदा की, जिसे दर्शकों का बहुत प्यार मिला। उनकी बहुत सी फिल्मों को भारत की राष्ट्रीय पहचान के रूप में भी दर्शाया गया और उनकी बहुत सी फिल्मों का प्रवासियों से, विशिष्ट प्रजातियों से, विशिष्ट धर्मों से, विशिष्ट लोगों से भी संबंध है। हिंदी फिल्म जगत में इनके इस महान कार्य के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री का सम्मान दिया था। 2015 में खान मोशन फिल्म निर्माता कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट के सह अध्यक्ष बने और साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग की क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक भी बने। वे एक सफल टेलीविजन कलाकार और स्टेज शो प्रदर्शक हैं। उनके इस काम के लिए मीडिया ने उन्हें ब्रांड SRK का नाम भी दिया। शाहरुख खान ने अपने जीवन में कई सामाजिक काम भी किए। वे कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और कई स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं से जुड़कर लोगों की सेवा भी करते रहते हैं। उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों में कई बार लोगों की मदद भी की है और गरीब अवन अनाथ बच्चों की पढ़ाई में भी वे मदद करते हैं।
2008 में न्यूजवीक पत्रिका ने उन्हें विश्व के 50 शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया था और 25 अक्टूबर 1991 को एक पंजाबी हिंदू लड़की गोरी छिब्बर से हिंदू परंपराओं के अनुसार शादी कर ली थी। उनका एक लड़का आर्यन जिसका जन्म 1997 में और एक लड़की सुहाना जिसका जन्म सन 2000 में हुआ था और 2013 में वे तीसरे बच्चे के पिता बने जिसका नाम अब्राहम है। शाहरुख खान के अनुसार उनका इस्लाम पर पूरा भरोसा है लेकिन वे अपनी पत्नी के धर्म को भी उतना ही महत्व देते हैं। उनके बच्चे भी दिल से दोनों धर्मों को मानते हैं। उनके घर में जहां कुरान रखी है वहीं दूसरी ओर हिंदू देवताओं को भी रखा गया है। शाहरुख खान जिसे आज भारत ही क्या पूरे विश्व में बच्चा बच्चा जानता है, उनकी रोमांटिक फिल्मों को देखते हुए हाल ही में उन्हें एक नया नाम किंग ऑफ रोमांस भी दिया गया था। शायद ही आज तक फिल्मों के मामले में शाहरुख खान के रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाया होगा। उनकी हर फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। वो बॉलीवुड के बेताज बादशाह हैं लेकिन इस बात का शाहरुख खान ने कभी घमंड नहीं किया। वे सदैव गरीबों पीड़ितों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और बच्चों को शिक्षा देने के लिए कई संस्थाएं भी चला रहे हैं। एक कलाकार होने के बावजूद उनमें इतनी खूबियां हैं। शाहरुख खान भारत का सदैव चमकता रहने वाला कोहिनूर हीरा है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।